हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हम जो क्लास कर रहे हैं ये एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसके सारे ऑप्शन के बारे में हम बताते हैं। तो आप हमारी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की हमारी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, स्तूप के सजाए गए प्रवेश द्वार को किस रूप में जाना जाता है? तो स्तूप है, उसके जो प्रवेश द्वार है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर बताइए। और स्तूप के कौन कौन से पार्ट है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो हम इसको पूरा देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, स्तूप का जो सजाया गया प्रवेश द्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? उसको तोरण के रूप में जाना जाता है। जो इसका स्तूप का जो प्रवेश द्वार है उसको तोरण कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार है, इसको तोरण कहा जाता है। इसके अलावा जो हर्मिका है, हर्मिका क्या है, देखो सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। ये स्तूप है, जो संरचना है ये, इसको बोला जाता है अंडा, अंडा इसको बोला जाता है, और इसके प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है। ये जो लकड़ी की स्तूप नुमा जो रेलिंग है इसको क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो यहाँ का प्रवासी पथ है इसको मेथी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मेधी कहा जाता है। और इसके अंदर ये है परिक्रमा पथ, क्या है, प्रदक्षिणा पथ, या जो यहाँ पे जो है ये एक या दो भी इसमें प्रदक्षिणा पथ हो सकते हैं। और जो ये संरचना है गोल गोल, ये अंडा कहा जाता है इसको। इसके ऊपर जो हर्मिका है, ये स्तूप की सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ पे क्या रखे जाते हैं, अस्थियां रखे जाते हैं इसमें, तो ये सबसे पवित्र है इसका हर्मिका है। इसके हर्मिका के ऊपर ही यष्टि होता है, यष्टि के ऊपर ये छत्री नुमा होता है, यष्टि के ऊपर जो है ये छत्री होता है, ये तीन तक हो सकती है। तो ये इसके पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेदिका है, ये किसको कहा जाता है, ये जो लकड़ी नुमा या जो स्तूप की जो रेलिंग है इसको वेदिका कहा जाता है। प्रवासी पथ है, इसको मेधी कहा जाता है। और ये अंडा है या अंड है, इसके ऊपर हर्मिका होती है, बालकनी जैसी संरचना होती है, ये सबसे पवित्र स्थान होता है स्तूप का। इसके अंदर है अस्थियां या इनके जो अवशेष है वो इसमें रखे जाते हैं हर्मिका में। हर्मिका के ऊपर ही यष्टि होती है, और यष्टि पर ही छत्री नुमा जो ये तीन संरचना होती है इसको छत्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इसका प्रदक्षिणा पात हो गया, ये एक या दो इसमें प्रदक्षिणा पात हो सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनने वाले थे, हर्मिका, मेथी, तोरण, ये इनके पार्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके एग्जाम में देख लीजिए, कोई सा भी आ सकता है, सारा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बौद्ध धर्म पे है, अलग से भी क्लास हमने अपलोड की है, आप वो क्लास भी देख सकते हैं, उसमें हमने सारे क्वेश्चन क्लियर किए हैं, सारे पॉइंट उसमें लिए हैं। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी उसमें एक एक करके हमने एक्सप्लेन किया है, पूरा थ्योरी रूप में उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप वो क्लास जरूर देखिए, उसको उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वो क्लास एक बार जरूर देखना, उससे आपके बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो इसमें है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है वह कौन सा मौर्य शासक बन गया था? ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो शासक है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ए है अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहद्रथ, और डी है चंद्रगुप्त। तो इनमें से है अशोक है, वो बाद में मौर्य जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। कौन बन गया था, अशोक बन गया था। ये मौर्य वंश की स्थापना है, ये किन्होंने की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये बृहद्रथ थे। इनकी हत्या है, इनके सेनापति ने ही इनकी हत्या कर दी थी बृहद्रथ की। और वो कौन थे, ये पुष्यमित्र सुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र सुंग ने इनकी हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की।
ये बृहद्रथ की हत्या है वो किन्होंने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और वो ये कौन थे? ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो समुद्रगुप्त को है ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक इनका दरबारी कवि था वो कौन था? हरिसेन था। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिसेन है वो किसका दरबारी कवि था। तो ये समुद्रगुप्त से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जो बनता है कि भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है और ये है इनका दरबारी कवि हरिसेन था। इसके अलावा इनको लक्ष्मी दोहित्र भी कहा जाता है, किनको? समुद्रगुप्त को। और इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। तो ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, सारे हमने कवर किए हैं। तो आप ऐसे ही क्लास को लास्ट तक देखिए, आपका सारे क्वेश्चन है उसके जो सारे पॉइंट है क्वेश्चन के वो सारे यही क्लास में कवर करवा दिए जाएंगे। और आपको अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, कौन सा टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, ये भी आप बता सकते हो। हम टॉपिक वाइज भी क्लासेस डालते हैं, आप वो भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन में है जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो इनमें से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। जो पारा है ये कमरे के तापमान पर कैसा होता है? ये तरल अवस्था में होता है। और चांदी है ये उसमें चालकता इसमें अधिकतम होती है, ये उष्मा की सुचालक है, इसमें जो है सबसे अधिक चालकता होती है चांदी में। सोना है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है सोना प्रकृति में? ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से पॉइंट हुए, आपको ये समझ में आया है तो आप इनको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? ये सोडियम और पोटेशियम धातुएं हैं। पारा है ये कमरे के तापमान पर कैसा होता है? तरल अवस्था में ये पाया जाता है। और चांदी है ये उसमें चालकता अधिकतम दर्शाती है। और सोना है ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितने भी है उनकी राजधानियां हैं वो सब पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम एक एक करके कवर कराएंगे आपको। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है भारत का जो पड़ोसी देश भूटान है उसकी राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी कौन सी है? और भी जो दे रखी है ये कौन कौन से देशों की राजधानी है ये भी आप बता सकते हो। तो भूटान की जो राजधानी है वह कौन सी है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है भूटान की। और यहाँ की मुद्रा क्या है? ये है नगुलट्रम। क्या है? भूटान की राजधानी नगुलट्रम है। राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ का तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और ढाका है ये कहाँ की राजधानी है? ये बांग्लादेश की है। और बीजिंग है ये चाइना की राजधानी है। ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पड़ोसी देशों से कवर करवाने की कोशिश करेंगे कि सारे पड़ोसी देश उसमें आपके एक एक क्लास में जो हम सीरीज चलाई है उसमें एक एक करके हम आपको सारे पड़ोसी देश कवर करवाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका तो आंसर दे ही रखा है। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो कौन था इनमें से? ये टोडरमल है वो अकबर का राजस्व मंत्री था। कौन था? टोडरमल था। और अकबर के जो नवरत्न है कितने थे? 9 नवरत्न थे। उनको देख लीजिए आप एक बार, देख लीजिए कौन कौन से है इनके नवरत्न। ये है राजा बीरबल, इसके बाद में मियां तानसेन, तानसेन है रामतनु, ये है इनके अकबर के नवरत्न थे। और अबुल फजल ये भी इनके नवरत्न थे, फेजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अलियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के नौ रत्न है। ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से अकबर का कौन सा नौ रत्न नहीं है। तो इनमें से जो नहीं होगा ऑप्शन में या जो एक्स्ट्रा होगा वो अकबर के नौ रत्नों में नहीं होगा, ये अकबर के नौ रत्न है, आप इनको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तानसेन समारोह का आयोजन, ये जो तानसेन समारोह है ये कहाँ मनाया जाता है या इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है?
तानसेन समारोह का आयोजन है कहाँ किया जाता है, या तानसेन समारोह है ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं एक ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है। तानसेन समारोह है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बहट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। और ये कितने दिन तक चलता है? ये 4 दिन तक चलने वाला संगीत कार्यक्रम है। कहाँ मनाया जाता है? ये ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नदियों पे हमने अलग अलग करके 3-4 क्लास बनाई हुई है। उसमें किसी में सहायक नदियों से रिलेटेड लिए, किसी में उनका उद्गम स्थल और उनका मुहाना क्या है उस पे भी अलग से क्लास बनाई हुई है, और इन नदियों के किनारे कौन कौन से है जो शहर बसे हुए उन पे भी हमने क्लास बनाई है। आप वो सारी क्लासे देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन में दे रखा है ताप्ती नदी, बी है गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी और डी माही नदी। तो इनमें से है कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गोदावरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरते हैं। ये गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी है ये त्रिंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये दक्षिण भारत की गंगा है, ये गोदावरी को कहा जाता है। और कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा है, कावेरी नदी को कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और इसका उपनाम, और ये किधर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी सारी अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है सुदर्शन झील का उल्लेख निम्न में से किस शिलालेख में है? तो कौन से शिलालेख में है वो सुदर्शन लेख का उल्लेख है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आंसर बताइए जल्दी से। तो ये कौन से है? ये है रुद्रदामन के जूना लेख, जूनागढ़ शिलालेख में। सुदर्शन झील का उल्लेख है वो किस में है? ये है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में। झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त के एक गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। ये झील जो है कहाँ पर है? ये गिरनार गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? ये गुजरात में। कौन सी है? सुदर्शन झील है, ये गुजरात में स्थित है। तो ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? लोसर महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सवों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यों के इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य है उनके महोत्सव है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, लोसर महोत्सव है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी सिक्किम। तो लोसर महोत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर है? सिक्किम में मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम के और कौन कौन से त्योहार है देख लीजिए। ये है लोसांग महोत्सव, सिक्किम का है। द्रुप का टेसी त्योहार है। सागा दावा बहुत इंपॉर्टेंट है, सागा दावा या ट्रिपल प्लेस ब्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का है। ये भूमचू उत्सव है और लोसर महोत्सव है, ये सारे सिक्किम के इंपॉर्टेंट है। लोसांग और लोसर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। भूमचू भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिक्किम के त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार निम्न में से किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो पद्म पुरस्कार है, इनको किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आंसर बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL में। तो ये कब स्थापित हुए थे? ये 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और कितने प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार? ये 3 होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। ये 3 है पद्म पुरस्कार है, जिनकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।
आपको हमारी क्लासें कैसे लगती है, आप हमें सजेशन भी दे सकते हो कि मैम ऐसे करवाइए इसमें और हमें एक्सप्लेन कीजिए, या कोई आपको टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो कि मैम ये टॉपिक बताइए, तो हम वो क्लास भी आपको करवाने की कोशिश करेंगे। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।